प्रवचन के कार्यक्रम को निपटाने के बाद अपने घर में दरवाजा बंद किए बिना सोना एक व्यक्ति को उस समय महंगा पड़ गया जब अज्ञात चोरों ने उसके घर में प्रवेश कर सोने चांदी के आभूषण मोबाइल नकदी सहित करीब 1,21,000 का माल उड़ा लिया। गणपति विसर्जन के कार्यक्रम को निपटाने के बाद अपने घर में दरवाजा बंद किए बिना सोना एक व्यक्ति को उस समय महंगा पड़ गया जब अज्ञात चोरों ने उनके घर में प्रवेश कर सोने चांदी के आभूषण मोबाइल फोन व नकदी सहित करीब 1,21,200 रुपए के माल को चुरा ले गए। जरीपटका पुलिस थाने के कस्तूरबा नगर परिसर में हुई इस घटना की शिकायत फरियादी ने पुलिस से की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जरीपटका परिसर के कस्तूरबा नगर निवासी संजय भाव राव जी उमाले के घर में गुरुवार को गणपति विसर्जन का कार्यक्रम था। विसर्जन के कार्यक्रम के बाद फिरियादी अपने घर के मुख्य दरवाजे को बंद करते हुए सो गए थे। करीब 3 घंटे के बाद जब फरियादी की नींद खुली तब उसे घर का सारा सामान अस्त व्यस्त दिखाई दिया। जब उन्होंने बेडरूम में रखी लोहे की अलमारी की जाँच की तो उसमें रखे 31,000 रुपये नकद सोने चांदी के आभूषण व 6 मोबाइल सहित 1,29,200 रुपए का माल गायब दिखाई दिया। दिनांक 8/9/2022 रोजी या जे फिरियादी आहेत संजय भावरावजी उमाळे यांच्या घरी गणेश उत्सवाचा कार्यक्रम होता। गणेशोत्सवाच्या कार्यक्रमानंतर त्यांनी जागरण ठेवलं। जागरण ठेवल्यानंतर जेव्हा ते सकाळी झोपेतून उठल्यानंतर त्यांना लक्षात आले त्यांच्या घरातील अलमारी फुटलेली आहे। त्यावरून त्यांनी पोलीस स्टेशन जरीपटक्याची तक्रार दिली। सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशन जरीपटका येथे अपराध क्रमांक 588/2022 कलम 457-380 भादवी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। गौरतलब रहे कि चोरी होने की बात का पता चलते ही फरियादी ने इसके शिकायत जरीपटका पुलिस में की। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।